हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने टेक्निकल डोमेन चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हम जूम पे अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो और रिकॉर्ड करके किसी को सेंड करना है, तो आप जूम की मदद से ईजिली अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जूम की वेबसाइट पर जाना है और साइन इन पर क्लिक करना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल एंटर कर लीजिए। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करने का साइन अप पे क्लिक करोगे, जो भी आपने आईडी एंटर किया है उस आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट कर लीजिए और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। अब उसको क्रिएट करने का दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दें। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेशन रिकॉर्डिंग है, आप वो अगर 40 मिनट से कम है तो आपका इसका जो फ्री प्लान है जो भी मैं यूज कर रहा हूँ आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर आपका रिकॉर्डिंग 40 मिनट से अब है तो आप बेसिक प्लान का $15 के राउंड आता है, अराउंड 1300 के राउंड प्लान और ट्रैकिंग में जाके यहाँ से परचेज कर सकते हो, जो ये 1300 का। अगर 40 मिनट से कम का वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे फ्री वाला प्लान यूज कर, अदरवाइज 1300 वाला प्लान ले लें। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जूम के लोगो पे क्लिक करना है। अगर आप किस भी टाइप पे हो, अगर आपको यहाँ पे जूम के लोगो पे जाकर माय अकाउंट पे आप आ चुके हैं, अब यहाँ पे मीटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेड्यूल है मीटिंग पे, और यहाँ पे आपको मीटिंग का जो भी टॉपिक डालना है वो डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन डालना है डाल दीजिए। आप इसमें क्या होता है, आप और भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ आप खुद के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर। फ्री प्लान में आप मैक्सिमम 40 मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एक दिन में, और ये भी एक दिन में 40 मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 3 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। लाइक आपको किसी और की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप ये लिंक दो लोगों को और भेज के आप खुद पोस्ट करके उनका वीडियो रिकॉर्ड। अब इसमें यहाँ पे दोस्तों मैं सेटिंग पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे टाइमिंग जैसे 12 बजे आ रहा है क्योंकि ये अराउंड 1 घंटे का या आधा घंटे का बैकअप देता है। आप चाहो तो 12 बजे ही डाल के, जैसे अभी यहाँ पे 11:24 हो रहे हैं, मैं 12 बजे का टाइम डाल दिया। जरूरी नहीं कि मैं 12 बजे ही मीटिंग स्टार्ट करूँ, अभी भी स्टार्ट करूँ। लाइक अभी मैं 12 बजे ही डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दूँ। सेव करने के बाद जैसे ये जो पेज पे हम आए, यहाँ पे स्टार्ट ए मीटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाई चांस आप किसी और पेज पे चले गए हो तो आपको स्टार्ट ए मीटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे जूम क्लिक कर लीजिए एक बार, यहाँ से जूम का जो लोगो है। उसके बाद यहाँ पे माई अकाउंट पे आ जाइए। माई अकाउंट पे आने के बाद फिर से आपको मीटिंग के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी जो मीटिंग हमने अभी सेव हुआ है और इस चीज के ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर और यहाँ पे ओपन जूम मीटिंग पे क्लिक। इसलिए अगर आपके सिस्टम पे जूम का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने का ऑटोमेटिकली वैसे डाउनलोड के लिए बोल देगा अगर आपका ऐप जूम का ऐप अपने सिस्टम पे नहीं। आज जैसे हमारे जूम ओपन हो चुका है, अगर मुझे खुद की मीटिंग रिकॉर्ड करनी है तो मेरे को यहाँ पे कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। बस मेरे को अपना कैमरा ऑन करना है, अपनी वीडियो ऑन करनी है और यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे जाना है और अपनी जो PPT है, यहाँ जो भी मेरे को जिसके थ्रू मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, चाहे वो PPT फॉर्मेट हो चाहे वर्ड फॉर्मेट हो, उसको मेरे को शेयर कर लेना है और उसके बाद जो भी टॉपिक है उसके बारे में टॉक कर लेना है और यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेक करना है। अगर दोस्तों अगर किसी और की आप मीटिंग रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो उनको आपने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया, जैसे मीटिंग स्टार्ट हो उनको बोले ज्वाइन कर ले और यहाँ पे शेयर लिंक के अप एरो क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस शेयरिंग पे जाना है और यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट हु कैन शेयर पे ऑल पार्टिसिपेंट पे चेक कर और इसको क्लोज कर। अब यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो भी शेयर कर। दोस्तों बेसिक सेटिंग होगी, अब एक बार मैं आप एडवांस सेटिंग बता देता हूँ। अब जैसे दोस्तों आप शेयर स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप बेसिक सेटिंग है उनको सेव कर लें, लाइक आपका अनम्यूट कर लें, आपकी वीडियो को ऑन कर लें, उसके बाद शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें। अब शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने के यहाँ पे 2-4 ऑप्शन आएंगे, जो भी आपके टैब खुलेंगे, जो भी आपके सॉफ्टवेयर खुलेंगे वो यहाँ पे शो करेगा और उसके अलावा यहाँ पे शेयर स्क्रीन का भी ऑप्शन, स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप क्या रहेगा, मैं तो बोलूँगा कि आप स्क्रीन के ऑप्शन पे ना करें। आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर करोगे ना, तो मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जो भी आपका ओपन होगा वो जैसे लाइक मेरे क्रोम ओपन था, मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ये भी शेयर होगा। उसके बाद मेरी फाइल लाइक किसी और फोल्डर में, माई कंप्यूटर में जाके, मैं कहीं और किसी डी ड्राइव में जाके या ई ड्राइव में जाके, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा वो पूरा रिकॉर्ड शेयर होगा, ठीक है। मे बी अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा कि आप ये भी कर सकते हो, आप रिकॉर्ड बाद में कर लेना जब आपका सब कुछ शेयर हो चुका होगा। अभी यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले अपना जो भी आपकी फाइल शेयर करनी है उसको ओपन कर लें। लाइक मेरी PPT है, मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे आना है, उसके बाद जूम पे आ जाए।
अब यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे बटन क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी मेरी पीपीटी है उसको ओपन कर लेना। जैसे आपको बेसिक इंट्रो देना है तो पहले आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, अगर आपका बेसिक प्लान है फ्री वाला, जैसे आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे आपका ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर पे आपकी जो रिकॉर्ड होगी वो सेव होगी। अगर आपका जो मंथली वाला प्लान ले रखा है या ईयरली वाला प्लान ले रखा है उसके लिए क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग या तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लाउड पे सेव करना चाहते हो या अपने कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हो। तो आप क्लाउड पे सेव करना करोगे तो आप बाद में जिसको भी सेंड करना उनको एक लिंक भेज दोगे वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो को डाउनलोड कर। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे स्टार्ट कर अपना शेयर अपना इंट्रोडक्शन करिए और उसके बाद जो भी है यहाँ पे आप शेयर पे जाना है और यहाँ पे जो भी आप जैसे मैंने पहले बताया कि पीपीटी को ओपन कर लिया मैंने तो इस पीपीटी पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अगर दोस्तों पीपीटी या वीडियो में आपके अगर कोई साउंड हो तो यहाँ पे शेयर साउंड पे भी क्लिक करना है, लाइक इसके पीपीटी में ऑलरेडी ऑडियो होता है या वीडियो होता है तो उसमें यहाँ पे शेयर साउंड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप शेयर साउंड पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे शेयर कर देना है। अब यहाँ पे शेयर आपने कर लिया, अब आप चाहते हो कि आपका वीडियो आपको लोगों को ना दिखे तो यहाँ से आप वीडियो ऑफ भी कर सकते हो, अपना माइक की सेटिंग अगर माइक ऑन नहीं है तो यहाँ से पूरा सेटिंग कर सकते हो। मैं वीडियो ऑन हो गया, अब उसके बाद दोस्तों इस पे क्लिक करने का, इसको F5 की मदद से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं या यहाँ पे स्लाइड शो का जो आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद फुल स्क्रीन कर लेते। अब दोस्तों जैसे ही मेरी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है स्टार्ट हो चुकी है, मेरा सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, कुछ नहीं करना। जैसे आप मेरे यहाँ पे वीडियो आ रही है, आप वीडियो जैसे लाइक अगर आप किसी और का सेशन रिकॉर्ड करें, अगर दो तीन लोगों की वीडियो लाइव मतलब दो तीन लोगों की वीडियो ऑन है तो आप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो सिर्फ आपके पीपीटी और आपकी वीडियो की ही रिकॉर्डिंग होगी। लाइक अगर यहाँ पे कोई और भी लोग हैं तो उनकी नहीं होगी। यहाँ आपको जैसे ये वीडियो आप यहाँ पे रखना, ये नहीं कि ये वीडियो यहीं पे रहेगी, नहीं, आपकी वीडियो यहाँ टॉप पे दिखाएगा जब रिकॉर्डिंग फाइल आएगी आपका आउटपुट और आपका जो पीपीटी है वो यहाँ पे पूरा शो करेगा। लाइक अगर आपकी इस पीपीटी में यहाँ पे कोई इमेज है या यहाँ पे कोई टेक्स्ट है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो और ये आपको अब जैसे दोस्तों मैं आपका जो भी टॉपिक लाइक ये टॉपिक है मैं इस पर टॉक कर रहा हूँ लाइक वेलकम टेक्निकल डोमेन तो ये पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा और जब आपकी लास्ट स्लाइड आएगी थैंक यू का स्लाइड आ गया उसके बाद आपको स्टॉप शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रिकॉर्डिंग ऑफ होगी। आप जब भी आप ये मीटिंग को क्लोज करोगे ये आपका रिकॉर्डिंग जो है आपके सिस्टम पे सेव होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा ये ओके हो गया, अब मैं यहाँ पे मेरी मीटिंग क्लोज हो गई है लाइक मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ से मीटिंग को क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद और एंड मीटिंग टू ऑल कर। अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया जो मेरी फाइल है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके रिकॉर्डिंग सेव होने लगी मेरे डेस्कटॉप पे। अगर आपने क्लाउड पे सेव किया होता तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली क्लाउड पे सेव हो जाती है, बट क्लाउड पे भी इंस्टेंट सेव नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे मेरी 1-2 मिनट की वीडियो है इसमें टाइम लगता है, अगर आपकी वीडियो 15-20-30 मिनट की होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड सेव होने में आपके कंप्यूटर में थोड़ा टाइम लेता है और इस बीच में आपका जो नेट है वो चलना चाहिए आपके सिस्टम पे या आपके लैपटॉप पे, क्योंकि अगर नेट इंटरनेट नहीं चलेगा अगर आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दोगे आपकी मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, मतलब सेव नहीं होगी, रिकॉर्ड तो हो रही थी सेव नहीं होगी तो आप उसको सेव नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपकी सेव हो गई है ऑटोमेटिकली पूछता है कि आपको कहाँ सेव है, तो आप चाहो तो डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना के सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया मेक ए फोल्डर और सेव कर सकते हो, आप देख पा रहे हो ये फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक फोल्डर बन गया जिसमें जितनी भी फाइल है, एक तो ये वीडियो फाइल है और ये दो ऑडियो फाइल है, तो इस पर हमें इसको कुछ किसी को सेंड करना था आप डायरेक्टली ये वीडियो फाइल को सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।